शनिवार को राहुल गांधी ने वाराणसी में कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय के समर्थन में रोड शो किया। इसे अमेठी में मोदी की रैली का जवाब माना जा रहा है। वाराणसी की सड़कों पर राहुल ने पूरा दमखम दिखाया। राहुल के रोड शो की खास झलक देखिए इस रिपोर्ट में। ये राहुल गांधी का खास अंदाज है। लंका चौराहे पर पंडित मदन मोहन मालवीय की मूर्ति को दूर से देखते ही राहुल ने सिर झुका दिया, लेकिन इसके बाद राहुल जिस तरीके से महामना की मूर्ति तक पहुंचे, वो भी कम दिलचस्प नहीं था। देखिए, पहले एसपीजी के लोग मूर्ति के परिसर में दाखिल हुए, उसके बाद राहुल अंदर आए। राहुल गांधी सीढ़ियों से संभल संभल कर ऊपर तक पहुंचे। पंडित मदन मोहन मालवीय की मूर्ति के हाथ में माला डाली और हाथ जोड़ लिए। फिर राहुल पलटे और हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया। इसके बाद वो बहुत संभल कर नीचे उतरने लगे। राहुल ने एक बार पैर नीचे किया, फिर लगा कि सीढ़ी ठीक से नहीं लगी है तो पीछे हट गए। एसपीजी के जवान की मदद से दोबारा कोशिश की, पहले एक पैर जमाया, फिर दूसरा और तब जाकर नीचे उतरे। राहुल के रोड शो की एक खास बात और थी, शहनाई के उस्ताद बिस्मिल्ला खान के परिजनों ने शहनाई बजाकर राहुल गांधी का स्वागत किया। कांग्रेस इससे उत्साहित है, लेकिन बिस्मिल्ला खान के परिवार ने साफ किया है कि उनका मकसद सियासी नहीं था। बच्चे भी राजनीति में नहीं, हमारे अब्बा हुजूर राजनीति में नहीं थे, वो संगीत से जुड़े थे, कलाकार थे, हम लोग भी कलाकार। इस वजह से हम लोग राजनीति से बहुत दूर भागते हैं।